7 साल में पहली बार वेस्टइंडीज ने इंडिया को 2 लगातार T20 में हराया है, लेकिन अब उनके पास मौका है वो कर दिखाने का जो उन्होंने कभी नहीं किया है। इंडिया के सामने एक एक मैच से ज्यादा लंबी T20 सीरीज में जीत दर्ज करने का, ऐसा वेस्टइंडीज ने कभी नहीं किया है। तीसरे मैच का प्रीव्यू हमारे साथ करने के लिए जुड़ रहे हैं वसीम जाफर। वसीम, 2 मैच में अब तक 2 करीबी हार, लेकिन उन दोनों मैचेस में जो हमने कॉमन थ्रेड आइडेंटिफाई किए हैं वो लार्जली बैटिंग के अराउंड रहे हैं कि पहले मैच में आप एक बिलो पार टारगेट चेज नहीं कर पाए और दूसरे में आप एक सब पार टोटल ही खड़ा कर सके, लेकिन हार्दिक पांड्या एडमेंट रह रहे हैं कि हम ये टीम का बैलेंस नहीं चेंज करेंगे। क्या ये सही निर्णय है इंडिया के लिए? जो बैलेंस की हम बात करते हैं वो 2 रिस्ट स्पिनर की बात है। और मुझे नहीं लगता है कि वो 2 रिस्ट स्पिनर ड्रॉप होंगे, क्योंकि आप अक्षर पटेल से तो बॉलिंग कराते ही नहीं हो बेसिकली। तो इवन दो आपके पास वो 6th बॉलिंग ऑप्शन है और पोटेंशियल तिलक वर्मा वो 7th बॉलिंग ऑप्शन है, तो वो उस तरफ तो हम जाते ही नहीं। तो ये कॉम्बिनेशन चेंज होते हुए बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, और कोई फास्ट बॉलिंग ऑप्शन नहीं है। तो शायद कॉम्बिनेशन तो मुझे लगता है कि यही होगा एक पॉसिबल चेंज। और मे बी जो हमने पिछली बार भी बात की थी वो था यशस्वी जायसवाल का, कि ईशान किशन अगेन इस लास्ट T20 में भी स्ट्रगल करते हुए नजर आए, वो शुरुआत नहीं दे पाए और वो फ्लुएंट जो बैटिंग हम एक्सपेक्ट करते हैं ईशान किशन से वो नहीं मिल रही है, तो क्यों ना यशस्वी जायसवाल को मौका मिला जाए। तो मेरे हिसाब से वो एक चेंज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगेन। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता है कि बॉलिंग में कोई ऐसा चेंज हमको देखने मिलेगा। हाँ, बेहतर, डेफिनेटली बेहतर बैटिंग की एक्सपेक्टेशन तो है, क्योंकि ये 2 मैच में बहुत बिलो बैटिंग परफॉर्मेंस रहा है। और अगर भारत को इस सीरीज को बराबर करना है और जीतना है तो बहुत बेहतर बैटिंग करनी होगी यहाँ से। चलिए, तो 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने रेज कर दिए। पहले बल्लेबाजी की बात अगर करें तो अगर इंडिया ने ये फैसला कर लिया है कि यही बैलेंस है हमारा कि अक्षर पटेल 7 पे हैं, 5 फुल बॉलर्स प्लस हार्दिक पांड्या, तो इसके साथ क्या प्रेशर और बढ़ जाता है उन ऊपर के 6 बल्लेबाजों पर? क्योंकि आप दूसरी तरफ ये भी बात बहुत कर रहे हैं कि हमें अप्रोच बदलना है, हमें फियरलेसली खेलना है। जब आपको एज अ टॉप 5 टॉप 6 बैटर ये पता है कि नंबर 7 के बाद आपके पास बल्लेबाजी नहीं है, तो डज इट मेक इट दैट मच मोर डिफिकल्ट वो फियरलेस अप्रोच एक्चुअली अपनाना? जी हाँ, थोड़ा बैक ऑफ द माइंड तो होता ही है बल्लेबाजों के दिमाग में कि नंबर 8 पर कौन है, नंबर 9 पर कौन है। बट आई थिंक समहाउ आपको ये सारी चीजें छोड़ के सोचना होगा और खेलना होगा, क्योंकि कौन क्या आगे जाके होगा और क्या करेगा ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है कि आप किस तरह से खेलते हो और आपको अपने गेम को बैक करना है। तो मुझे लगता है और मेरी एडवाइस तो यही होगी कि बल्लेबाजों को कि वो अपना जॉब करे, बाद में क्या होता है उसकी चिंता ना करे, क्योंकि अगर वो चिंता लेकर अगर आप खेलोगे तो डेफिनेटली आप कहीं भी नहीं जाओगे। फिर वापस से वो डिफेंसिव अप्रोच और वो एक तरह से जो अटैकिंग क्रिकेट और फियरलेस क्रिकेट की बात करते हैं वो हम नहीं खेल पाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो चीज को छोड़ के खेलना होगा और फ्रीली खेलना होगा, अपने गेम को बैक करना होगा। एक कॉमन फैक्टर ऑफकोर्स इस बल्लेबाजी डिस्प्ले को जब हम देखें ये भी रहा है कि वेस्ट इंडीज के 3 पेसर खासतौर से, अगर आप रोमारियो शेफर्ड, अल्जारी जोसेफ और जेसन होल्डर को देखें, उन्होंने इन पिचेस और इन कंडीशंस का फुल यूज उठाते हुए दे हैव बीन वेरी हार्ड टू स्कोर अगेंस्ट। तो वो इंडिया ये मैच भी गयाना में ही होगा, इंडिया के बल्लेबाज क्या नई रणनीति अपना सकते हैं उन पेसर्स के अगेंस्ट थोड़े रन मैक्सिमाइज करने के लिए? देखिए, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि वो एक तो लंबे हैं, अल्जारी जोसेफ, जेसन होल्डर, रोमारी शेपर्ड भी मतलब उतने तो लंबे नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा टॉल है, थोड़ा सा पेस ऑफ करके डालते हैं, खास करके जेसन होल्डर। हमको पता है कि वो इतनी पेस देते नहीं है। अल्जारी जोसेफ है जो शुरू में आके नया बॉल डालते हैं तो थोड़ा सा उनको पेस मिलती है, वो बाउंस का यूज करते हैं, बट उस एक बार जैसे जैसे बॉल पुराना हो जाता है तो वो गति कम करने में थोड़ा सा बेहतर हो जाते हैं। रोमारियो शेपर्ड की भी वही उसी तरह की गेंदबाजी है कि वो पेस ऑफ करते हैं, ज्यादा पेस नहीं देते हैं, वाइड यॉर्कर इस्तेमाल करते हैं। तो आई एम श्योर इंडियन बल्लेबाजों के दिमाग में होगी ये चीज, क्योंकि खेलते चले आ रहे हैं थ्रू आउट जो वनडे सीरीज हो रही है और यहाँ पर भी 2 T20 हो चुकी है, कि ये गेंदबाज हमको ज्यादा पेस नहीं देते, थोड़ा सा हमको बड़ी साइड पे
शॉट मारने के लिए मजबूर करते हैं, जो साइड की बाउंड्रीज जो बड़ी बड़ी है, तो ये चीज को दिमाग में रखते खेलना होगा। आई थिंक वेस्ट इंडीज ऑब्वियसली हैव बीन सक्सेसफुल कि ये प्लॉय को यूज करते हुए, क्योंकि पिचेस इतनी स्लो है, इतनी कंड्यूसिव नहीं है शॉट बनाने के लिए, क्योंकि हमने स्कोर्स के थ्रू ही देखा है कि 150 के ऊपर स्कोर्स हो नहीं रहे। तो ये शो पहले से दिमाग में रख के थोड़ा भारतीय बल्लेबाज को आना होगा कि हमको इसको कैसे बेहतर काउंटर अटैक करना है इसके पीछे। काफी सवाल भारत की गेंदबाजी के ऊपर और खास तौर से अक्षर पटेल। आईपीएल में भी हम अक्सर देखते थे कि दिल्ली कैपिटल्स के सामने अगर कोई लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आए तो वो भूल जाते थे कि अक्षर पटेल उनके लाइनअप में है। हम इन 2 मैचेस में हमने देखा है कि उन्हें सिर्फ 2 ओवर दिए गए हैं। तो क्या अक्षर पटेल अक्सर ये सोचते होंगे कि अक्सर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, सोचते तो होंगे विदाउट अ डाउट, और प्रैक्टिस भी करते होंगे कि उनके साथ ऐसा ना हो, थोड़ा सा उन पर ट्रस्ट दिखाया जाए, क्योंकि हम जब देखते हैं कि वेस्ट इंडीज के अकील हुसैन है, तो उनके सामने जब लेफ्ट हैंडर आते हैं तो थोड़ा कैप्टन उनको ऐसा नहीं है कि गेंदबाजी नहीं कराता है, हमने देखा है उनको, चाहे वो ईशान किशन हो या कोई और भी हो, तो दे आर नॉट स्केर्ड टू बोल अकील हुसैन। तो थोड़ा सा आई फील थोड़ा फेथ दिखाना होगा हार्दिक पांड्या को, वो बेट थोड़ी सी ऑफर करनी होगी, क्योंकि उसके अगेंस्ट में आपको विकेटें भी मिल सकती है, कि हो सकता है कि वो लेफ्ट हैंडर आपको मारने चला जाए, आउट हो जाए, आप एक बड़ी विकेट हासिल कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं वो रिस्क रिवॉर्ड फैक्टर होता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा फेथ दिखाना होगा अक्षर पटेल पे, अदरवाइज वो इतने बुरे गेंदबाज नहीं है कि वो बिल्कुल लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट बॉलिंग कर ही नहीं सकते। तो थोड़ा फेथ एक कप्तान को दिखाने की जरूरत है उनके अगेंस्ट। जी हाँ, और आपके पॉइंट का उदाहरण इंडिया को उसी मुकाबले में मिला जहां अकील हुसैन ने इंडिया के हाई स्कोरर तिलक वर्मा, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, उनका विकेट अकील हुसैन ने ही लिया। तो क्या इस बार अक्षर पटेल को कुछ और ओवर्स मिलेंगे? क्या इंडिया सीरीज में वापसी कर पाएंगे? और आपके हिसाब से क्या है इंडिया की बेस्ट चॉइस 11? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में और जुड़े रहिए हमारे साथ ESPN Cricket 40 20 टाइम आउट पर।